प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए और ये लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है, ये एक रिकॉर्ड है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग ले रहे हैं लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से अब तक 7 बार जुड़ चुके हैं। आज फिर प्रधानमंत्री जी अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। मैं सभी उपस्थितों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस चरण में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आप दिन रात केवल एक ही लक्ष्य लेकर अथक परिश्रम करते हैं, जो है देश के नागरिकों का कल्याण। प्रधान सेवक के रूप में हमने देखा है कि आप तब ही संतुष्ट होते हैं जब सरकारी योजनाओं का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब देशवासी आपके संकल्प के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आपने विकसित भारत बनाने का आह्वान किया था। इस संकल्प को 2047 तक पूरा करने के लिए आपने 25 साल का अमृत काल का विजन तैयार किया, ताकि देश के हर गरीब को अपना अधिकार मिले, हर किसान समृद्ध हो, हर महिला सशक्त हो, युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिले। पिछले 9.5 साल में अपने देश के लिए कई योजनाएं चलाई। इन योजनाओं से देश के युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को लाभ मिला। हर योजना का प्रभावी ढंग से अमलीकरण हो और विकसित भारत की कल्पना साकार हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपने 15 अगस्त 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया था। यात्रा का प्रारंभ होने के बाद आपके प्रति विश्वास और श्रद्धा के कारण लोग इस यात्रा में चल रही गाड़ी को मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में देखने लगे। पहले हफ्ते में जहां हर पंचायत में औसतन 300 से 400 लोग एकत्रित होते थे, वही अब हर पंचायत में 650 से 700 लोग शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि आपकी गारंटी पर जनता का कितना भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से अब यह यात्रा शहरी क्षेत्रों में भी चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आपके परिवारजन शामिल होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प ले रहे हैं। 1960 के दशक में भारत ने कृषि क्रांति का एक दौर देखा। इसमें हमारी कृषि ने बैलगाड़ी से ट्रैक्टर तक का